हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने 12th के बोर्ड के साथ, स्टेट बोर्ड के साथ नीट 2019 की तैयारी कैसे करें। तो गाइस, सबसे पहले मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। गाइस, अगर आप नीट का अपना सिलेबस देखें तो एज़ पर NCERT सिलेबस टोटल 97 चैप्टर्स आपके नीट एग्जामिनेशन में आते हैं, जिनमें से 47 चैप्टर्स आपके क्लास 12th में से होते हैं और 50 चैप्टर्स आपके क्लास 11th में से होते हैं। गाइस, तो आपको करना क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपका एम है कि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं नीट में, तो आपका सबसे मतलब जो जोर होना चाहिए अभी 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन पर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 11th के एग्ज़ाम अभी आपके लिए, 11th का जो सिलेबस वो इम्पोर्टेंट नहीं है। द सिलेबस ऑफ क्लास 11th इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, यू कैन नॉट इग्नोर इट। गाइज, बिल्कुल सही बात है गाइज, आप इसको एकदम लाइटली ना लें। बट आपको जो करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप साथ के साथ आप अभी अपने एग्ज़ाम तक आप 12th की जो बोर्ड की तैयारी करेंगे वो इस तरीके से करें कि जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप 12th के चैप्टर को ऐसे रिवाइज कर लें कि आपको जो आप जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए बोर्ड के, तो आपको उनको रिवाइज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, फिर आप 11th के चैप्टर पर फोकस कर सकें। मेरे पास अभी डेट शीट है स्क्रीन पर 12th के एग्ज़ामिनेशन की। 2 मार्च 2019 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, मेरे पास रूटीन है पूरा। जो आपको करना है वो ये करना है, प्रैक्टिस योर क्लास 12th चैप्टर मोस्टली बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन। डू नॉट फोकस ऑन क्लास 11 चैप्टर्स राइट नाउ। बिल्कुल सही बात है गाइज, अभी इन पर बिल्कुल फोकस ना करें। एक और मेरे पास रिपोर्ट है, योर नीट एग्जामिनेशन विल बी ऑन 5 मई 2019, सो नाउ यूटिलाइज योर टाइम फॉर स्टडिंग क्लास 12 चैप्टर्स मोस्टली। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टडी क्लास 12 चैप्टर इन सच अ वे दैट यू शुड नॉट नीड टू रिवाइज इट अगेन। आप इस तरीके से अभी 12th की अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करें कि आपको नीट के प्रिपरेशन के लिए उसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइज, फिर जब आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, नीट एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन NCERT बुक्स ओनली। द मेन डिफरेंस इज द अप्रोच ऑफ क्वेश्चंस। जो डिफरेंस है वो अप्रोच ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि होता क्या है ना गाइज, जो आपका NCERT का जो आपका बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, विदाउट क्लियर मोस्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, वाइल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन। तो नीट में आपके थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप जो कॉन्सेप्ट है ना उनको ढंग से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि विदाउट क्लियर कॉन्सेप्ट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोथ द एग्जामिनेशन। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ट्राई टू फोकस मोस्टली ऑन प्रिपेयरिंग योर क्लास 12 चैप्टर। बिल्कुल सही बात है गाइज, अभी आप अपने 12 को इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको बाद में उसे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। डो नॉट नेगलेक्ट योर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। वंस यू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर नीट एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही बात है गाइज, अगर आपके 12th में अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप उसकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ही इस ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा कि मतलब आपको आपको लगेगा कि हाँ, मैं नीट एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर सकता हूँ। उसके बाद फर्दर मैं बताता हूँ, इट इज़ बेटर टू फोकस मोस्टली ऑन क्लास 12 चैप्टर प्राइमरली। वंस यू आर डन विद इट, देन यू कैन फोकस ऑन योर क्लास 11 चैप्टर। देन देर आर अराउंड 50 चैप्टर फ्रॉम क्लास 11th एज वेल। आफ्टर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, फोकस ऑन क्लास 11 चैप्टर्स। While preparing for your board examination, practice questions from NCERT books. बिल्कुल सही बात है गाइज, आप एक बार 12th को अच्छे से क्लियर कर लें, मतलब 12th के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ऐसे कर लें कि बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, देन उसके बाद आप 11th के NCERT बुक्स पर फोकस करें। जो आपका 5 मई से जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद जो 5 मई तक का टाइम है, उसमें आप 11th के चैप्टर काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लें। रेफरेंस बुक से आप पढ़े, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। वंस यू कंप्लीट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर योर MCQ क्वेश्चन। इफ़ यू आर
taking coaching materials from any institution, start practicing those materials for your NEET examination, guys. अगर आप कोई भी कोचिंग मटेरियल से कोई भी कोचिंग मटेरियल ले रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से, तो आप उनको अपने नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस करते रहे गाइज. तो गाइज ये था सिंपल सा रूल कि अभी आप 11th पर जोर मत दें, क्योंकि आपका जो स्टेट बोर्ड बोर्ड का एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप नीट के लिए एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और फिर जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए बोर्ड के, तो उसके बाद आप 11th के सिलेबस पर ध्यान दे सकते हैं जब तक नीट का 5 महीने से पहले और अपने पेपर ख़त्म होने के बाद बोर्ड के पेपर. तो गाइस ये सिंपल सा रूल है, छोटी सी टिप्स है, अगर इसको आप अप्लाई कर लेते हो तो काफ़ी फ़ायदा होता है गाइस. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और फर्दर ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए नीट 2019 की हमारे चैनल शिवा लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करिए गाइस, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए. थैंक यू गाइज.